अगर मुद्दे की बात करें तो हमारा एक सूत्री ही मांग है कि प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए हमारी जो वेतन में विसंगति है उसका निरीक्षण को निरीक्षण किया जाए। सहायक शिक्षक, प्रधान पाठक और जो पदोन्नत उच्च शिक्षक हैं उन सभी के वेतन में जो व्याप्त विसंगतियाँ हैं उन विसंगतियों को दूर करें और संविलियन करने के पश्चात हमारी 8 साल से 10 साल की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है, उन सेवाओं की गणना करते हुए हमारी वेतन की जो गणना है वो होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग आंदोलनरत हैं। कितने निश्चितकालीन है इसमें कोई निश्चितता नहीं है कि कितने दिन तक चलेगी, मांग पूरी होते तक चलेगी। सरकार की तरफ से तब तक ठोस भरोसा या विश्वास नहीं दिलाया जा सकता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल निवेदन की संगति को लेकर जो हम लोग कर रहे हैं विगत 3 दिन से ही चल रहा है और आगे भी अनिश्चितकालीन ये चलेगा। और जैसे कि सरकार ने कहा था, अभी जो सत्ता में आया है उससे पहले उनका कहना था कि वर्ग 1 और 2 के साथ जो है वो न्याय हुआ है और वर्ग 3 के साथ जो हुआ है, सहायक शिक्षकों के साथ जो हुआ है वो धोखा हुआ है। तो ये उनका ही कहना था। तो हम इस मैसेज के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आज तक जो धोखा जो आपने कहा है आप अपने बातों में खड़ा क्यों नहीं उतरे? आज तक जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है वो खत्म क्यों नहीं किया गया है? क्यों हमारी वेतन विसंगति दूर नहीं हुई? तो इसी को लेकर हमारा अनिश्चितकालीन जो है वो धरना प्रदर्शन चल रहा है और आगे जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक ये चलेगा।